नमस्कार टाइमेटर दर्शक मैं ज्योतिदीप बैश्य स्वागत जानसो करोनार जी एक परिवेश देश चलि और तार मजते ब्लैक फांगास नाम विशेष रोगर प्रादुर्भावक लिया समस्या पड़े चिकित्सक एम्सर डायरेक्टर रणदीप गुलारिया आज ये ब्लैक फांगास कथा वर्णना करिसे आपनालोक ब्लैक फांगासर पर किदरे बाचि थाकिब आरु देशत हठात किय करोना रोगीर मजत ये ब्लैक फांगास विशेषभावे देखिबले पोवा गैछे ताकु वर्णना करिसे चिकित्सक गराकी कोविडक लै समग्र देशत इतिया हाहाकार परिवेश चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी सकुए अहर्निशे काम कोविडक नियंत्रण करारे कि मजते भूतर ऊपर दानव पराधी आन एक रोगे यार देखा दी भारत और सैया मारात्मक ब्लैक फांगास कोरोनार आतंकर मजते द्रुतगत ब्लैक फांगास बृद्धि पासे और यार पाछते बाध्यत पड़ी भारत सरकारे जारी करबलगिया सतर्कवाणी एया भारत स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ट्विटारत ब्लैक फांगासर विषय उल्लेख करिछे और किदरे यार पर हाथ हारी थाकिब पारि तार कथा उल्लेख करिछे हर्षवर्धन हरियाणा एतियालैके ब्लैक फांगासत 27 गराकी लोक आक्रांत होइछे उल्लेख्य कोरोना आक्रांत बहुलोक ब्लैक फांगास आक्रांत करिसे म्यूकोमाइक्रोसिस अथवा ब्लैक फांगासक लिया चिंतित पड़े भारत सरकार किन्तु किए ब्लैक फांगास साधारण माटि गस गसनी गेला फलमूल शाक पाचलि आदि पा जाए ब्लैक फांगास ब्लैक फांगास वायुमंडलतो पा जाए नाकर जरिए माटिर संस्पर्शत आहिले नाइबा तेजेरे मानुहर शरीरत ए ब्लैक फांगासे प्रवेश करिब पारे मानुहर शरीरत प्रवेश करार पिछते ए ब्लैक फांगासे साल हाउफाउ चकु मस्तिष्क आदि आक्रांत करे ब्लैक फांगासत आक्रांत 50 शतांश लोकरे साधारण मृत्यु है ए ब्लैक फांगासर लक्षण कि चकुर विष चकु रंगा पड़ा नाकर पर तेज ऊलवा ज्वर मूर विष काह उशा निशाह कष्ट पा तेज बमि करा भ्रम सृष्टि हुआ शरीर रोग प्रतिरोधी क्षमता दुर्बल हर फलते ब्लैक फांगासे सहजे आक्रांत पारे विशेषक जिस रोगी अत्यधिक मधुमेह रोग आक्रांत सहजे लक्ष्य कर ब्लैक फांगासे स्टेरॉइडर अत्यधिक व्यवहार फलतो ब्लैक फांगासत कोनो व्यक्ति आक्रांत हम पारे आनते आई सी यू जदि कोनो रोगी दीघलिया समय धरी चिकित्साधीन हो आछे तेखेतो ब्लैक फांगासत आक्रांत हम पारे ब्लैक फांगास द्रुतगत भारत केबाटाओ प्रांत व्यापी पड़े हरियाणा दिल्ली गुजरात मध्य प्रदेश आदि पा गई ब्लैक फांगास आक्रांत लोक और यार पिछते एम्सर डायरेक्टर रणदीप गुलारिया संबद मेल उल्लेख कर फांगासर कथा कोविडर आगर पर भारत आसिल ब्लैक फांगास नतुन रोग न किन्तु हे समय ब्लैक फांगासत आक्रांत लोकर संख्या एक बारे ताकर आसिल किन्तु कोविड रोगीर चिकित्सार पद्धतिर फलते इतिया ब्लैक फांगास तेउलुकर शरीरत बियपिसे कोविडर प्रथम ढौर समयतो ब्लैक फांगासत बहु रोग आक्रांत होइसिल किन्तु द्वितीय ढौत अधिकांश लोक आक्रांत होइसे ब्लैक फांगासत ए सकलो कथा प्रकाश करिसे रणदीप गुलारिया कोविड रोग आक्रांत लोकसर रोग प्रतरोधी क्षमता दुरबल हर ब्लैक फांगासे मारात्मक रूप लैसे ब्लैक फांगासर अत्यधिक प्रभाव पड़े चकु नाक मुखमंडल और मस्तिष्क एक और जो विषय इम्पोर्टेंट है इसी में इन्फेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है जो हम कहते हैं कैम कोविड एसोसिएटेड म्यूकरमाइकोसिस म्यूकरमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है इसके जो स्पोर्स हैं इस फंगस के
वो मिट्टी में भी पाए जाते हैं, हवा में भी पाए जाते हैं, कुछ हद तक ये कहते हैं कि फूड में भी पाए जाते हैं, लेकिन ये फंगस जो है लो विरुलेंस है, यूजली इन्फेक्शन नहीं करता है। और अगर हम कोविड से पहले की बात करें तब भी ये फंगल इन्फेक्शन देखा जाता था, लेकिन इसकी इंसिडेंस बहुत कम थी और रेयर इन्फेक्शन था, उन लोगों में देखा जाता था जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा है, डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, या जिनको ट्रांसप्लांट हुआ हुआ और फिर वो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स पे, जिससे उनकी इम्यूनिटी कम है, या कैंसर के ऐसे पेशेंट्स हों जो कीमोथेरेपी पे हैं। आम लोगों में ये यूजली नहीं पाया जाता था, तो इसलिए नई बीमारी नहीं है। लेकिन कोविड के कारण और कोविड की ट्रीटमेंट के कारण इसके केसेस अब काफ़ी ज़्यादा देखने में आ रहे हैं, कई क्षेत्रों में काफ़ी अधिक मात्रा में केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। अगर हम एम्स की ही बात करें तो हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 23 केसेस हैं जो अभी एडमिटेड हैं, जिनको ये फंगल इन्फेक्शन है कोविड के, 20 उनमें से अभी भी कोविड पॉजिटिव हैं और 3 कोविड नेगेटिव हैं। और कई राज्य ऐसे हैं जिनमें 400-500 से ज़्यादा केसेस उन्होंने रिपोर्ट किए हैं कोविड के, उनके पास अभी पॉजिटिव हैं। ये जो बीमारी है वो या तो फेस को अफेक्ट करती है, जिसको हम कहते हैं राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस, जिसके कारण नाक में आँख की जो ऑर्बिट है उसमें या ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन फैल सकता है, जिससे लोगों की विजन भी जा सकती है, आँख की रोशनी जा सकती है, और कुछ हद तक कभी ब्रेन में भी इन्फेक्शन हो सकता है। साथ में ये फेफड़े में भी फैल सकता है, जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस। दोनों में कुछ लक्षण हैं, जैसे अगर राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस है तो हेडेक हो सकता है, सिर में दर्द हो सकती है, नाक ब्लॉक हो सकता है, नाक से सिक्रीशंस आ सकती हैं जो हरे रंग की हो, या नाक से खून आ सकता है, या एक चेहरे में सेंसेशन कम हो सकती है, या एक साइड में चेहरे में सोजिश हो सकती है, या स्किन में डिस्कलरेशन हो सकता है। अगर फेफड़े में हो तो बुखार हो सकता है, छाती में दर्द हो जाती है, खांसी होती है, खांसी में खून आ सकता है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू यह है कि ये फंगल इन्फेक्शन अब ज़्यादा क्यों देखा जा रहा है और उसके क्या कारण है और क्या प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स हम कर सकते हैं। एक तो ये है कि जो कोविड इन्फेक्शन है उसके कारण भी ये एक रिस्क फैक्टर है। कोविड इन्फेक्शन में जो हमारे एक हम अगर हम ब्लड काउंट्स देखें तो एक सेल लाइन जो है, जिसको हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं, वो कम हो जाते हैं, लिम्फोपीनिया हो जाता है, तो उसके कारण बॉडी में जो CD4 CD8 सेल्स हैं वो कम होते हैं और उसके कारण अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये फर्स्ट वेव में भी देखा गया था, और अगर हम 2003 SARS की बात करें तो तब भी अगर डेटा देखें तो तब भी फंगल इन्फेक्शन कुछ हद तक ज़्यादा रिपोर्ट किया गया था। लेकिन इस दफ़ा जब हम इसको ज़्यादा देख रहे हैं, उसके कारण दो और हैं। एक कारण ये है कि कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटीज़ है, शुगर की तकलीफ़ है, और अगर वो कंट्रोल ना हो तो उनमें भी ये फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, मिसयूज़ ऑफ स्टीरॉयड्स। स्टीरॉयड्स जो पेशेंट्स ले रहे हैं जिनको डायबिटीज़ हैं और साथ में कोविड है, अगर ये तीनों चीज़ें इकट्ठी मिल जाएं तो वो चांसेस ऑफ फंगल इन्फेक्शन एकदम बढ़ जाते हैं। इसलिए इसको रोकने के लिए सबसे पहले तो मिसयूज़ ऑफ स्टीरॉयड जो है वो हमें कम करना पड़ेगा। और जैसे पहले भी कहा था कि जो पेशेंट जिनको माइल्ड डिजीज़ है, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, और जिनको अर्ली स्टेज में जो कोविड इन्फेक्शन है, उनमें स्टीरॉयड देने से नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कोई नहीं है। जो रिकवरी ट्रायल है उसने भी यही दिखाया था कि अगर हम स्टीरॉयड्स माइल्ड पेशेंट्स में देते हैं तो मॉर्बिडिटी और मोर्टैलिटी बिकॉज ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। इसलिए अगर किसी को कोविड है और माइल्ड इन्फेक्शन है, बुखार है, सैचुरेशन मेंटेन्ड है, खांसी है, लेकिन और कोई ऐसे लक्षण नहीं है कि ऑक्सीजन कम हो रही है, तो स्टीरॉयड्स नहीं देने चाहिए, क्योंकि उससे आगे जाके फंगल इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, स्पेशली अगर उनको उस व्यक्ति को डायबिटीज़ भी है। दूसरा है डायबिटीज़ या शुगर कंट्रोल, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिन लोगों का शुगर कंट्रोल नहीं होता उसमें ये फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा पाया जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों को भी डायबिटीज़ हैं या जो स्टीरॉयड्स ले रहे हैं वो अपना शुगर चेक कराएं, क्योंकि कई दफ़ा किसी को ये पता नहीं होता कि मेरे को शुगर की तकलीफ़ है, स्टीरॉयड्स लिए तो एकदम शुगर 300-400 पहुंच जाती है। तो इसलिए अपना शुगर भी मॉनिटर करें, और अगर डायबिटीज़ है तो और भी ज़्यादा ज़रूरत है कि जब कोविड इन्फेक्शन है या आप स्टीरॉयड्स ले रहे हैं तो शुगर को रेगुलरली मॉनिटर करें। तीसरी चीज़ ये है कि मास्क अपना लगा के रखें। जैसे मैंने कहा ये स्पोर्स हैं, हवा में भी इसके फंगस हो सकता है,
मास्क लगाना ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रहे हैं जहाँ पे इसके फंगस के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर हम स्टीरॉयड ले रहे हैं तो उसको मिसयूज़ ना करें। दूसरा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टीरॉयड्स का डोज जो है, हाई डोज स्टीरॉयड्स कई दफ़ा दिए जाते हैं, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। डेटा यही कहता है कि माइल्ड टू मॉडरेट डोज स्टीरॉयड्स आर गुड इनफ। अगर हम बहुत हाई डोज स्टीरॉयड्स देंगे तो शुगर भी बढ़ेगी, इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ेंगे। तीसरा ये कि डेटा ये भी शो करता है कि 5 से 10 दिन तक मैक्सिमम स्टीरॉयड्स की ज़रूरत पड़ती है मेजॉरिटी ऑफ कोविड पेशेंट्स में। बहुत लंबे टाइम स्टीरॉयड्स देने से भी शुगर कंट्रोल बिकम्स मोर डिफ़िकल्ट और ये जो फंगल इन्फेक्शन है इसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इनके केसेस अब ज़्यादा रिपोर्ट किए जा रहे हैं एंड वी मस्ट वर्क एग्रेसिवली कि हम इसके केसेस कम करें। और दूसरी ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसको सस्पेक्ट जल्दी किया जाए जिससे आगे जाके लॉस ऑफ विजन या और कोई सीरियस इन्फेक्शन ब्रेन में ना हो। तो इसलिए अगर आपको जब भी कोई पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो जो मैंने लक्षण बताएं, अगर किसी को कोई भी ऐसे लक्षण हो तो डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें, अपना शुगर कंट्रोल करें और अपनी स्टीरॉयड्स अगर अननेसेसरी हैं तो उसको बंद करना चाहिए। फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि एज़ पार्ट ऑफ ऑनगोइंग एक्टिविटीज़, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि कोविड मैनेजमेंट शुड नाउ रीच आउट टू ऑल पार्ट्स स्पेशली रूरल इंडिया। तो रूरल इंडिया में कोविड मैनेजमेंट के लिए ट्रेनिंग के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और एम्स न्यू दिल्ली ने प्रोग्राम शुरू किए थे 30 अप्रैल से 13 मई तक। मेंटरिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस जो रीजनल और स्टेट लेवल पे हैं और उसमें कई चीज़ों पे वेबिनार्स हुए हैं, होम आइसोलेशन पे, मेडिकेशन फॉर होम आइसोलेशन पे, प्लाज्मा पे, ऑक्सीजन पे, वेंटिलेशन और आईसीयू मैनेजमेंट पे, ट्रीटमेंट पे, टेस्टिंग पे भी हुआ है, डायबिटीज़ के मैनेजमेंट पे भी और एक्सरे के और रेडियोलॉजी पे भी वेबिनार्स हुए हैं। अब इन रीजनल सेंटर्स को खुद आगे जाके वेबिनार्स करने हैं और अपने एरिया में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या पब्लिक सेक्टर में हो, सब डॉक्टर्स को वहाँ ट्रेन करना है जिससे रूरल इंडिया में भी कोविड मैनेजमेंट की पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो एकदम परफेक्ट हो और मैनेजमेंट जो है वो बिल्कुल आइडियल हो एज़ पर इंटरनेशनल गाइडलाइंस। तो ये 3 चीज़ें हैं, पर एक तो ट्रेनिंग एंड रूरल एरिया, गुड इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस इन हॉस्पिटल और प्रिवेंशन ऑफ फंगल इन्फेक्शन जो हम ज़्यादा देख रहे हैं और ये कोविड के साथ साथ इसके इंसिडेंस बढ़ रहे हैं ऑफ म्यूकरमाइकोसिस। এইদৰে এটাৰ পিছত আন এটাকৈ সংকট আহিছে যেন পৃথিৱীলৈ। কেতিয়াবা ঘূৰ্ণী বতাহ, কেতিয়াবা ভূমিকম্প, কেতিয়াবা কৰোণা, এইবাৰ আকৌ ব্লেক ফাংগাছ। প্ৰকৃতপক্ষে মানৱ জাতিয়ে এই সংকটৰ পৰা ৰক্ষা পাব কেতিয়া, সেয়াহে ডাঙৰ প্ৰশ্ন। যেতিয়ালৈকে এই সংকট আঁতৰি নাযায় আমি সাৱধান হৈ থাকিব লাগিব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম ইট।